हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अनुपमा, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइज, आज है माँ दुर्गा का आठवें रूप यानी कि माँ गौरी का दिन। तो आज है अष्टमी, तो देख सकते हो मैंने पूजा कर रही हूँ और मैं श्रृंगार के लिए लाई थी सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर एंड रबर बैग लाई, ये सब टूट ना जाए। तो अभी ये मैं आज चढ़ा दूंगी क्योंकि आज है अष्टमी का व्रत। तो आज मैंने व्रत रखा है और आज ही मैंने रख लिया है। आज सप्तमी भी मॉर्निंग में है और 12 बजे से अष्टमी चढ़ जाएगी, तो बट आज ही मैंने रखा है क्योंकि कल मैं 12 बजे के बाद मैं पारण करूंगी, क्योंकि कल 12:30 बजे तक अष्टमी है, फिर 12:30 बजे के बाद नवमी है। तो इसलिए अष्टमी मैं रखती हूँ, तो अष्टमी आज भी है कल भी है, तो इसलिए मैंने रख लिया आज की, आज का भी फल मिलेगा तो। और कल उसके बाद 12:30 बजे के बाद नवमी चढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं पारण कर लूंगी, कुछ खा पी लूंगी। तो बट इसलिए तो आज व्रत है। तो ये माता रानी के लिए चूड़ी बिंदी लाल कलर की लेके आई थी, भी दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये मैं लेके आई थी माँ गौरी को चढ़ाने के लिए। हर बार श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ, तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और रबर। तो ये मैं ऐसे मैं चूड़ी बिंदी सिंदूर ही चढ़ाती हूँ, ये रबर और एक लाई थी लिप बाम, मतलब तो वो तो ले ली, तो इतना मैं चढ़ा दे रही हूँ और श्रृंगार के माता रानी को। तो चलो, हे माँ दुर्गे अपनी कृपा बनाए रखना। और थोड़ा सा मैंने चूड़ी रख दिया है लेके आई थी, तो माता रानी को मैं मंदिर जाऊंगी ना, तो हम माँ दुर्गे को हाथ में डाल पहना देती हूँ। तो और ये चढ़ाया हुआ आप किसी को दे सकते हैं, खुद पहन सकते हैं। तो ये मैं चढ़ा देती हूँ, श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए कि आपका सुहाग हमेशा बना रहेगा। जय माँ दुर्गे। तो यहाँ बिंध्यवासिनी माँ दुर्गे का है और ये चढ़ा देते हैं। और ये सिंदूर माँ दुर्गे को, बिंदी। तो चलो अब मैं जा रही हूँ किताब पढ़ने, जो दुर्गा चालीसा, बिंध्यवासिनी चालीसा, ये सब पढ़ती हूँ, तो पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज देख सकते हो कि हमारा पूजा हो गया है, मैं अब जा रही हूँ आरती करने। तो ये देखो मैंने पूजा कर लिया है और श्रृंगार का सामान मैंने जो माता रानी के चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब चढ़ा दिया है, और बस अब मैं जा रही हूँ आरती करती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और माता रानी का आरती सुनो। और जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी सिंदूरी विराज, टेको मृग मद को मैया, टेको मृग मद को, उज्जवल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, भक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी तिहरी वाहन राजा, ते खडग खपर धारी मैया, खडग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तीन के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। है नहीं कि वो वीडियो बता लेगी, हमने को बनाना पड़ रहा है। पूरे घर में आरती कर देते हैं राधे कृष्ण को, कमरे में ले जा रहे हैं इस वाले से। आज है महाअष्टमी का दिन, माँ दुर्गे का आठवें रूप का, तो बड़ा अच्छा दिन है। इधर भी दिखा दें गैलरी में, तुलसी माता, भगवान, हे भगवान। तो आप लोग भी आरती ले लो जो जो ब्लॉग मेरा देखता है। तो आज माँ दुर्गे के, माँ गौरी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो आज पूजा मैंने कर लिया, तो हम भी आरती ले रहे हैं माँ गौरी। मुझे माँ गौरी से भी मांगना है, बस मैं माँ गौरी से ही मांगती हूँ आपकी
जब तक जीऊँ जब तक मैं सुहागन रहूँ और फिर उसके बाद माता रानी के चरणों में जाऊँ। हे माँ गौरी, सब सुहाग बनाए रखना, सबकी रक्षा करना, अपनी कृपा बनाए रखना माता रानी सब पे। हे माँ दुर्गा, हमारा हो गया पूजा कंप्लीट। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी नहीं, आज तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया है पूजा, क्योंकि आज व्रत था तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम कर लिया। और नहीं तो और उसके बाद अभी कुछ देर के बाद जाऊंगी, आयरा के लेने का टाइम हो जाएगा, तो अभी तो नहीं, थोड़ा देर के बाद। और अपना दिखाती हूँ आज कितना सुंदर मेरे शिव शंभू लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं यार। मतलब नजर ना लगे प्रभु को, मतलब इतने अच्छे लगते हैं ना, सज जाते हैं व्हाइट फूलों में तो बहुत सुंदर। और मैं ले आती हूँ अपने कैंपस से व्हाइट फूल शिव शंभू को सिर्फ सजाने के लिए और लड्डू गोपाले को चढ़ाने के लिए, तो दिखाती हूँ बैक कैमरे से कितने प्यारे लग रहे हैं शिव शंभू व्हाइट। इन पे कितना सुंदर लगता है ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये माँ दुर्गे जो मैंने चढ़ाया था सब श्रृंगार का सामान, बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि के टाइम में, एकदम 9 दिन चहल पहल रहती है। और कल है लास्ट माता सिद्धिदात्री का दिन, और बस माँ दुर्गे चली जाएंगी अपने घर। और बस तो देख ही सकते हो माँ दुर्गे सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलो गाइज मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर। तो गाइज हमारा पूजा हो गया और अपने लिए मैंने चाय बनाया है, अभी जस्ट 12 बजे तो अब चाय पियेंगे। तो आज अष्टमी 12 बजे के बाद से लग रहा है, और उसके बाद कल 12 बजे तक रहेगा, तो कल मैं 12 बजे तक रहूँगी। आज ही मैंने व्रत किया है क्योंकि मैं अष्टमी की ही पूजा करती हूँ माँ गौरी की, और जो अष्टमी की पूजा करते हैं ना वो आज ही रखेंगे, जो माँ गौरी की पूजा करते हैं तो आज ही रखना होती है। तो और जो अपना मानते हैं उद्या तिथि से, तो मैं मुहूर्त से मानती हूँ, उद्या तिथि से नहीं मानती कि उद्या तिथि से ही मानना होता है। आज ही चढ़ गया तो आज से मैंने रख लिया, कल 12:30 बजे तक है तो रखेंगे, उसके बाद फोन वगैरह करेंगे। तो ये है मेरा चाय, चलो पी लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर आप लोग। तो चलो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहो, देखते रहो कि आगे क्या होता है। अभी मुझे जाना है 12:30 बजे, आयरा को लेके आती हूँ स्कूल, स्कूल से उसको लेके आते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो आज है बहुत ही खास दिन माँ गौरी का, मुझे जो भी चीज़ें चढ़ानी थी श्रृंगार का तो चढ़ा दिया। फिर शाम में जाएंगे मंदिर, जैसे कि शाम में तो रोजाना जाते हैं दीपक जलाने, तो आज माँ गौरी का दिन है तो जाएंगे। और जो श्रृंगार में चूड़ी उड़ी है ये सब, तो माँ गौरी को वहाँ पहनाएंगे माँ दुर्गे को। चलो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहो कंटिन्यू, तो आगे आगे देखो क्या क्या होता है। ये देखो आ गई आयरा की दोस्त आंसी, दोनों लोग खा रही हैं पॉपकॉर्न। और आंसी को चोट लग गया है, दिखाओ जरा कहाँ चोट लगी है। ओ ये कैसे लगी है आंसी को, गिर गई थी, काला हो गया ना, उठे पट्टी चिपका दी है, गिर गई होगी कहीं चोट लगी होगी, अब ठीक हो गया होगा। खा लो चलो दोनों लोग मिलके खा लो, आज 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 लड़ाई नहीं करना है ठीक है, प्रेम से खेलना है ठीक है। ठीक है ना आंसी, लड़ाई नहीं करना आयरा से, लड़ाई नहीं करना। चलो लगा दें, क्यों कौन लगाया है, कोई लगाया है, काजल तो पूरा बर्बाद कर दी। अब वो काजल तो खत्म हो गया, टूट गई पूरी, जब उसका नोके से निकाल दोगी उसको बंद कर दोगे तो टूट ही ना जाएगी, उतना अच्छा काजल खराब कर दी। ये देखो आ गई आयरा, आ गई घूम के क्या, अब उसके अंदर काजल बचा ही नहीं है। अब आयरा को जा रही हूँ मैं रेडी करने, थोड़ा सा कपड़े चेंज कर देती हूँ, अभी जाएंगे यहीं पे बगल में। हाँ हाँ, अभी आया फोन, अभी जाएंगे खाना खाने दिव्या के। हमारा इवनिंग का हो गया है पूजा, ये देख सकते हो। तो आज है माँ गौरी का दिन और इवनिंग का आरती कर लिया है मैंने, और मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, तो चलो आप लोग भी। तो हो चुका है पूजा हमारा घर का, अब मैं मंदिर जा रही हूँ, वहाँ पे दीपक जला के फिर भी मार्केट भी जाना है, थोड़ा ही पास में जाएंगे कुछ सामान लाना है, तो चलेंगे। तो
अभी चलते हैं मंदिर, और मैंने थाल अपना तैयार कर लिया है माँ गौरी के लिए। रेड कलर का चूड़ी जो मैं पहना आई थी पिछले साल भी, तो इस बार भी पहनाऊंगी, और सिंदूर बिंदी। तो चलो आप लोग भी मंदिर और माँ दुर्गी की दर्शन करो, बड़ा मज़ा आता है मंदिर जाने में, अच्छा लगता है। तो मैं आ गई मंदिर, पहले यहाँ बेलपत्री के पास जला देंगे दीपक, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर से, पंडित जी बंद करके भी गए हैं, ताला नहीं बंद है, कुंडी बंद है। तो चलो अभी जला लेते हैं यहाँ पे पेड़ के पास फिर। तो गाइस यहाँ पे देखो दीपक मैंने अभी जला दिया, चलो अब चलो आ गए मंदिर। आज शिव शंभु कितने अच्छे लग रहे हैं यार, और माँ दुर्गे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो शिव शंभु कितने अच्छे लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन में। चलो तब तक पूजा कर लेते हैं। तो गाइस माँ दुर्गे को जा रही हूँ पूजा करने, अभी कर लेते हैं पूजा फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस मैं बैठी हुई मंदिर के गेट पे, क्योंकि मेरा दीपक जल रहा है, तो अभी जल जाएगा ना तो दीपक तो फिर लेके जाएंगे। तो बस बैठ के वेट कर रहे थे, जल गया माँ दुर्गी को जलाया, फिर शंभु का जल गया बट माँ दुर्गी वाला जल रहा है, यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं। तो गाइस मंदिर से आके मैं चली गई थी मार्केट, मतलब यहीं थे स्टोर पर सामान लेने थे, तो वो लेके आ गई। और आयरा अभी फिर से गई हैं कन्या पूजन, इनका दो दिन तो भाई व्यस्त चलेगा, आज अष्टमी और कल नवमी को, दोनों दिन इधर से उधर, इधर जब से स्कूल से आई है ना 1 बजे, उसके बाद से इनका मतलब बिजी है,
तन देख नहीं पाओगे आप। कभी अभी आई थी लेकिन मार्केट में गई थी, चलो चलते हैं, और उसके बाद गायब हो गई फिर से नीचे से ही। तो चलो अभी आएंगे थोड़ा देर में। और आज है माँ गौरी का दिन और बहुत लोग कल अष्टमी करेंगे, तो जो अष्टमी कल करेंगे तो वो यानी कि दसवीं में पारण करेंगे, तो दसवीं में पारण नहीं होता अष्टमी वाले को, नौवीं में ही पारण करना चाहिए। तो जैसे कि मैं आज मैं रख रही हूँ तो अष्टमी कल नौवीं चढ़ जाएगा 12 बजे के बाद, तो मैं पारण कर दूँगी। तो जैसा भी जिसका, तो चलो गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और ब्लॉग को आप लोग स्टार्टिंग लेकिन लास्ट तक देखा करो, वॉच किया करो, और वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और कल है नौवीं तो कल हवन वगैरह करूँगी। चलो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।